हाई एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिक्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये कॉपीकैट बनियन। एडल्ट साइज के लिए है ये, मेल फीमेल बॉय गर्ल कोई भी पहन सकता है, किसी के लिए भी बना सकते हैं, कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। आपके पास किसी भी नंबर की सिलाइयाँ और ऊन हो, आप जस्ट मेथड और नाप को फॉलो कीजिए कि किस तरह बनाएंगे। मैंने इतने आसान तरीके से समझाई हुई है कि आप इसकी साइज छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बस सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। ये 3-ply ऊन है और मैं जो सिलाइयाँ यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो 7 नंबर की है। मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने एक डिज़ाइन के साथ और एक प्लेन समझाई हुई है कि आप किस तरह से किसी भी साइज के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी ऊन और सिलाइयों से किस तरह कितने फंदे डालें। मुझे बहुत सवाल आते हैं इस चीज़ के लिए, तो मैंने वो छोटी सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप वो देख लीजिएगा प्लीज़। उसमें काज बनाना सिखाया हुआ है, अभी हम ये बनाना शुरू करते हैं। ये जो साइज मैं बना रही हूँ उसके लिए 100 फंदे हम सिलाई पे डाल लेंगे। कास्ट ऑन 100 स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो। इफ यू वांट टू फॉलो दिस कास्ट ऑन मेथड, यू कैन सर्च हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस बाय क्लीन निट्स। आपको कोई भी तरीका आता हो आप सिलाई पे फंदे डाल लें, अगर आपने ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है तो आप सर्च कर सकते हैं कि कास्ट ऑन स्टिचेस बाय क्लीन निट्स, या डिस्क्रिप्शन में देख लें, नीचे लिंक हो तो। हमने यहाँ पे सिलाई पे फंदे डाल लिए हैं। सिलाई पे फंदे डाल लेने के बाद आप दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर बुन लेंगे। बिगनर के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि आप दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर कैसे बुनेंगे। 2 × 2 रिब बॉर्डर, 2 × 2 रिब बॉर्डर मतलब दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर, जिसमें आपने दो फंदे सीधे बुनने होते हैं और दो उल्टे, टू स्टिचेस। इफ यू आर अ बिगनर, चेक आउट माई वीडियो हाउ टू नेट 2 × 2 रिब बॉर्डर बाई क्लीन निट्स। अगर आप बिगनर हैं तो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर किस तरह बुनते हैं। मेरी वीडियोस पे आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू निट 2 × 2 रिब बॉर्डर। ये देखें इस तरह से, निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। तो आप निट टू पर्ल टू सारे फंदे इसी तरह से बुन लेंगे, और फिर रिटर्न रो पे भी आपने इसी तरह करना है। जो आपको सीधे फंदे मिले होंगे सीधे बुनेंगे, जो उल्टे मिले हुए हैं उल्टे बुनेंगे। मेरी आप दो सीधे दो उल्टे बॉर्डर वाली वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम बॉर्डर बुन लेते हैं। निट 2 × 2 रिब बॉर्डर फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द कैप बॉर्डर। बॉर्डर की हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बॉर्डर की 11 सिलाइयाँ यहाँ पे बुन ली हैं। मैं आपको थोड़ा सा नाप के दिखाऊँ। निडल के नीचे से आप नापेंगे तो 1.5 इंच इसकी लेंथ है। बॉर्डर लेंथ फॉर दिस कैप इज 1.5 इंचेस। बॉर्डर बना लेने के बाद अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे इसकी। आफ्टर निटिंग बॉर्डर row 1 निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लें पहली सिलाई बॉर्डर बुन लेने के बाद। row 1 निट ऑल स्टिचेस आफ्टर निटिंग बॉर्डर, पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लिए, दूसरी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस मतलब सारे फंदे उल्टे बुन लिए। पर्ल मतलब सीधा उल्टा फंदा, निट मतलब सीधा फंदा। ये बिगनर्स के लिए, जिनको नहीं आता उनके लिए। row 2 पर्ल ऑल स्टिचेस, दूसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। दूसरी सिलाई पूरी हो गई है, अब तीसरी सिलाई भी सारे फंदे सीधे बुन लें। 3rd row निट ऑल स्टिचेस, तीसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, सारे फंदे सीधे राइट साइड से बुने हैं। अब चौथी सिलाई 4th row पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। चौथी सिलाई 4th row कंप्लीटेड, चौथी सिलाई पूरी हो गई है। अब 5th row राइट साइड, 5th row पर्ल ऑल स्टिचेस, पांचवी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, क्योंकि 4 सिलाइयाँ स्टॉकनेट स्टिच में बुनी है। अब 4 सिलाइयाँ रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच में, मतलब अब 4 सिलाइयाँ राइट साइड से उल्टी होंगी, दिखेंगी आपको इस तरह से। ये है रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच, ये है स्टॉकनेट स्टिच, ये है रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच। मतलब अब यही करेंगे, पहले क्या कर रहे थे, राइट साइड से
सीधी रॉन्ग साइड से उल्टी चार सिलाइयाँ बुनती, चार सिलाइयाँ। अब चार सिलाइयाँ बुनेंगे बट वो राइट साइड से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, रॉन्ग साइड से सीधे बुनेंगे। बट मैं आपको बिगनर्स के लिए करके दिखाऊंगी तो कंफ्यूज ना हो आप। ये पांचवी सिलाई है, आप सारे फंदे उल्टे बुन लें। फिफ्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस, पांचवी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं, फिफ्थ रो कंप्लीटेड। सिक्स्थ रो छठी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें, निट ऑल स्टिचेस। सिक्स्थ रो छठी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें, छठी सिलाई पूरी हो गई है। सातवीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें, सेवेंथ रो पर्ल ऑल स्टिचेस अगेन, सातवीं सिलाई सारे फंदे उल्टे। सातवीं सिलाई पूरी हो गई है, आठवीं सिलाई सारे फंदे फिर से सीधे बुन लें, एट्थ रो नेट ऑल स्टिचेस, रो एट आठवीं सिलाई नेट ऑल स्टिचेस, सीधे सीधे फंदे। आठवीं सिलाई पूरी हो गई है, अब यही आठ सिलाइयाँ आप रिपीट करते जाएंगे जितनी भी आपको टोपी की लेंथ चाहिए। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी टोपी की लेंथ, मतलब जहाँ से फिर आप शेप देना शुरू करेंगे। कीप रिपीटिंग दीज एट रोज फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ बिफोर क्राउन शेपिंग, मतलब फोर रोज इन स्टॉकनेट स्टिच एंड फोर रोज इन रिवर्स स्टॉकनेट स्टिच। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दिस इज द राइट साइड, ये राइट साइड है। टेन इंचेस तक बुन लिया है, दस इंचेस, दस इंचेस मेरा थोड़ा सा स्ट्रेच करने के बाद आ रहा है। अगर मैं बिल्कुल ही छोड़ दूं तो आठ इंचेस, लेकिन जाहिर बात है हम सर पे पहनते हैं तो वो स्ट्रेच होती है, तो ज़्यादा भी नहीं कर, पूरी स्ट्रेच करेंगे तो वो तो और भी नीचे जा रही है ये देखें, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच करना है आपको 10 इंचेस तक, क्योंकि आपके पास देखें ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर सेम नंबर की सिलाई और ऊन हो तो सेम स्ट्राइप्स आएँ। आपने लेंथ को फॉलो करना है, यू विल फॉलो लेंथ। अब लेंथ मिल गई है हमें एडल्ट साइज के लिए, आप जो भी साइज बना रहे हैं उस साइज से आप रखें। यू विल फॉलो मेजरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द साइज यू आर मेकिंग। नाउ वी विल प्लेस मार्कर्स, वी विल डिवाइड स्टिचेस इनटू फाइव इक्वल पार्ट्स, पांच बराबर हिस्सों में हमने यहां पे फंदों को डिवाइड करना है। जैसे कि 100 फंदे हमारे पास तो 20 20 20 20 20 के हिसाब से हमने डिवाइड करना है इनको। आप अपने हिसाब से देख लेंगे अगर छोटी साइज बना रहे हैं तो, बट इक्वली डिवाइड स्टिचेस इनटू फाइव पार्ट्स, बराबर पांच हिस्सों में। अब मैं 20-20 के हिसाब से डाल रही हूं ना, तो पहले हम मार्कर डाल रहे हैं। और भी एक तरीका है आपके पास मार्कर डालने का, अगर आप लूप इस्तेमाल कर रहे हैं मार्कर नहीं है तो आप सिलाई बुनते जाएंगे और मार्कर डालते जाएंगे ये वाला, और वरना अगर आप इस तरह डाल रहे हैं टेपेस्ट्री नीडल से भी डाल सकते हैं, मैंने बताया है आपको, जिस बिगनर के लिए मैं बार बार बताती हूँ। अब ये वाले मार्कर्स डालेंगे, गिनते जाएं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 प्लेस मार्कर, अगेन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 प्लेस मार्कर, मार्कर लगा दें इधर। बीस बीस के हिसाब से ये मैं बिगनर के लिए करके दिखा रही हूं बगैर स्किप के, आपको अगर आता है तो आप लगा लें स्किप करके। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 फंदे काउंट आपने डबल करने,
क्योंकि होता यूं है कि एक ही निडल पे पास पास फंदे होते हैं, तो मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है समटाइम्स, आपसे भी हो सकती है। तो जब मार्कर डाल लेना आप, तो एक दफा सेक्शन वाइज काउंट कर लेंगे, 20 20 20 20 और 20 फंदे होने चाहिए। डबल काउंट स्टिचेस आफ्टर प्लेसिंग मार्कर्स, 20 20 20 20 20 इक्वल स्टिचेस इन ईच सेक्शन। नाउ आफ्टर प्लेसिंग मार्कर स्टार्ट शेपिंग फ्रॉम राइट साइड। फ्रंट साइड जो है हमारी टोपी की, राइट साइड, ये शेप आएगा ये रॉन्ग। हमने क्या करना है, शेप देना शुरू करना है यहाँ पे। तो रो वन फॉर क्राउन शेपिंग, जो ऊपर शेप आता है टोपी पे उसको क्राउन बोलते हैं। क्राउन की शेपिंग के लिए पहली स्लाई सीधी साइड से निट टू स्टिचेस टुगेदर, दो फंदे साथ में बुने। अब निट टू द मार्कर, मार्कर तक बुनेंगे, दो फंदे साथ में बुने। रो वन हमारी पहली सिलाई, अब मार्कर तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, क्योंकि हम जो क्राउन की शेपिंग करेंगे उस पर हमने स्टॉकनेट स्टिच बुनना है। बट अगर आप यही डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है कि भाई चार इस तरह के, चार इस तरह की सिलाइयाँ, लेकिन डिक्रीजेस उसी तरह ही होंगे, सेम तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आपको। मैं प्लेन कर रही हूँ स्टॉकनेट स्टिच में, क्योंकि वो अच्छा लगता है। फिर अब मार्कर तक बुन लिया, स्लिप मार्कर, निट टू स्टिचेस टुगेदर, निट टू द मार्कर, स्लिप मार्कर एंड रिपीट अगेन, निट टू स्टिचेस टुगेदर, निट टू द मार्कर, नेक्स्ट मार्कर, दो फंदे साथ में बुने। यही रिपीट करते जाएंगे, दो साथ बुनेंगे फिर मार्कर तक बुन लेंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे फिर दो साथ बुनेंगे फंदे, और फिर से जो है वो दूसरे मार्कर तक बुन लेंगे। मैं बिगनर्स के लिए ये वाली रो स्किप नहीं कर रही, क्योंकि पहली और दूसरी सिलाई ही आपको रिपीट करते जाना है। निट टू द मार्कर, मार्कर तक बुना, स्लिप मार्कर, निट टू स्टिचेस टुगेदर अगेन, फंदों को साथ कर लेंगे तो बुनाई में आसानी होगी। दो फंदे साथ बुने, अब दूसरे मार्कर तक सारे फंदे सीधे, निट टू स्टिचेस टुगेदर अगेन, निट टू द नेक्स्ट मार्कर, कीप स्टिचेस क्लोज, इट विल बी ईजी फॉर यू टू निट, कीप देम क्लोज। मार्कर तक बुना और उसके बाद स्लिप कर लिया। अब देखें, अगर आपके पास मार्कर ना भी हो ना, कोई ना भी डालना चाहें, तो आप ये कर सकते हैं कि दो साथ बुने फिर 18 फंदे सीधे बुन लिए, फिर दो साथ बुने फिर 18 फंदे सीधे बुन लिए, फिर क्या होगा कि दूसरी सिलाई पे वो 18 फंदे 17 बन जाएंगे, डिक्रीज उसी तरह रहेंगे। ये मैंने टोपी पहले सिखाई हुई है, जिसमें मैंने बगैर मार्कर्स के सिखाया हुआ है कि किस तरह से शेपिंग करनी है, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपने बगैर मार्क करके, वो दूसरी प्लेन डिजाइन है, वो मैंने स्टॉकनेट स्टिच में सिखाया हुआ है सीधा सीधा, अगर वो आपने सीखनी है तो। सर्कुलर पे भी सिखाया है और स्ट्रेट निडल्स पे भी सिखाया है, सीधी सिलाइयों पे भी सिखाया है और गोल वाली सिलाइयों पे भी सिखाया है, और उसमें मार्कर के बगैर मैंने बताया है, पार्टीशन के बगैर के किस तरह से रो बाय रो बताया है वहां पे, तो आप देख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो वो आपके लिए आसान है, वो भी आसान है। अब फिर से स्लिप मार्कर, निट टू स्टिचेस टुगेदर एंड निट ऑल स्टिचेस, दो फंदे साथ में बुने, अब सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। रो वन हमारी पूरी हो गई है, रो वन कंप्लीटेड। रो टू दूसरी सिलाई, अब ये रॉन्ग साइड है, बैक साइड, तो हमने उल्टे फंदे बुनने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस टू द टू स्टिचेस बिफोर द नेक्स्ट मार्कर, दिस इज द मार्कर, मार्कर से दो फंदे पहले तक आपने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं।
अब इन दो फंदों को हम साथ बुनेंगे मगर उल्टा। अब राइट साइड से फ्रंट साइड से हम क्या कर रहे थे कि मार्कर से पहले दो फंदे और मार्कर के बाद दो फंदे घटा रहे थे, मतलब साथ बुन रहे थे, घटानी साथ बुन रहे थे। डिक्रीज तो एक हुआ ना, जब दो का एक करते हैं तो एक बन जाता है, एक डिक्रीज होता है। बैक साइड से हम क्या कर रहे हैं कि मार्कर से पहले दो फंदे साथ बुन रहे हैं उल्टे। ये चीज का आपने ख्याल रखना है, स्लिप मार्कर एंड रिपीट अगेन, यही आप रिपीट करते जाना है कि मार्कर से दो फंदे पहले तक आपने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर जब मार्कर से पहले दो फंदे आएंगे तो उनको साथ बुनना है। कीप रिपीटिंग दिस, पर्ल ऑल स्टिचेस टू द टू स्टिचेस बिफोर द नेक्स्ट मार्कर एंड पर्ल देम टुगेदर, कीप निटिंग दिस वे। रो टू फॉर क्राउन शेपिंग, क्राउन की शेपिंग के लिए। बिगनर के लिए मैं अगेन बता रही हूँ, फिर से देखें। अब ये देखें, मार्कर से दो फंदे पहले इनको साथ बुनेंगे मगर उल्टा, सही है। फिर मार्कर को स्लिप करेंगे, ये अटक क्या है इधर, मार्कर को इधर स्लिप किया। नाउ कीप पर्लिंग अगेन, रिपीट, फिर से वही रिपीट करें, मार्कर से दो फंदे पहले तक। ये दो राउंड ही आपने अब रिपीट करते जाना है जब तक आपके पास थोड़े से फंदे ना बचे सिलाई पे। राइट साइड से जैसे अभी मैंने पहली सिलाई बुनी, रॉन्ग साइड से जैसे अभी मैं बैक साइड से जैसे अभी मैं दूसरी सिलाई बुन रही हूं। फिर से अब पर्ल देम टुगेदर, इन दोनों को साथ बुनेंगे मगर उल्टा, स्लिप अगेन, रिपीट अगेन, कीप रिपीटिंग दिस टिल हेयर, देन पर्ल देम टुगेदर अगेन, स्लिप टिल हेयर, देन पर्ल देम टुगेदर। यहां तक बुनेंगे फिर ये दो साथ में, और फिर यहां तक बुनेंगे फिर ये दो साथ में। मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखें, पहुंच गए हैं ये दो फंदे साथ में, और स्लिप किया, फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लें यहां तक। अब दूसरी सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई है, आखिरी दो फंदों तक हमने सारे फंदे उल्टे बुने, अब ये आखिरी दो फंदे हमने साथ बुनने हैं उल्टे, पर्ल देम टुगेदर। नाउ कीप रिपीटिंग दीज टू रोज टिल यू हैव फ्यू स्टिचेस ऑन द निडल, I'll show you how many stitches। यही दो सिलाइयाँ पहली और दूसरी रिपीट करते जाएं जब तक आपको थोड़े से फंदे ना मिलने सिलाई पे। राइट साइड से आपने क्या करना है, सारे दो फंदे घटाएं साथ बुनेंगे और फिर सारे सीधे, फिर दो फंदे साथ में, फिर सारे सीधे, दो फंदे साथ में सीधे, दो फंदे साथ में सीधे, दो फंदे साथ में सीधे। रॉन्ग साइड से और मार्कर से दो फंदे पहले तक सारे उल्टे, फिर दो साथ में, फिर उल्टे दो साथ में, फिर उल्टे दो साथ में, उल्टे दो साथ में, उल्टे दो साथ में, इसी तरह से डिक्रीजेस कर लें। फंदे हमने घटा दिए हैं, देखिए ये शेप दे दिया है इसको। अब ये लास्ट जो है सिलाई है हमारी, आखिरी सिलाई, लास्ट रो, उसमें बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी बिगनर्स को कि हमने टू टुगेदर टू टुगेदर टू टुगेदर इस तरह करते जाना है। ये देखें, दो फंदे साथ में बुनते जाने हैं, और देखिए मार्कर आप पहले भी निकाल सकते हैं, मैं सिर्फ बिगनर को दिखाने के लिए अभी तक इधर छोड़े हुए हैं मार्कर्स। मैं मोस्टली मार्कर के बगैर ही बुनती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी इस चीज की। निट टू टुगेदर करके उसके बाद हम सारे फंदे बंद करेंगे। लास्ट में हमारे पास दो चार पांच
पांच फंदे बचे हैं यहाँ पे, हमें देखना है कि हमें कितना धागा चाहिए साइड सीने के लिए, इसका डबल कर लेंगे क्योंकि वहां से धागे बंद, यहाँ पे धागे फंदे बंद करके फिर हमने उसकी साइड सी लेनी है। साइड सी लेने के बाद आपने धागे को वेव इन कर देना है अंदर की तरफ से। अब आपकी मर्जी है कि कोई भी तरीका इस्तेमाल करें वेव इन करने का, यू कैन यूज एनी मेथड टू वेव इन बट ऑन बैक साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट, रॉन्ग साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट, रॉन्ग साइड बोल लें, बैक साइड बोल लें, अंदर की तरफ आपने वेव इन कर लेना है आपने, वेव इन लेटर। अब आपकी ये बैनी रेडी हो गई है, आप बनाएं और मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें, ये इसका शेप आता है। क्लीन निट्स के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम पे पेज, आप वहाँ पे तस्वीरें शेयर कर सकते हैं और ये बनाइएगा, गिफ्ट बना के दे सकते हैं किसी भी ओकेजन पे, क्रिसमस पे, बर्थडे पे, किसी भी चीज़ पे, एनिवर्सरी पे आप बना के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल गर्ल बॉय सबके लिए ये सब पहन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारे वीडियोज़ रिसीव हो जाए। अल्लाह हाफिज़।